हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9, इट्स रेनिंग। सो ये जो है बारिश से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड चैप्टर है, तो आज इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सब हम करेंगे। सो अप्पू एट बनानाज। अब अप्पू कौन है? एक एलिफेंट है जो हर रोज जो है बनाना खाता है। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच। अप्पू को जो है केले बहुत पसंद है। ही प्लक्स एंड ईट बनानाज फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। तो क्या करता है, जो भी पेड़ है वहाँ से वो बनाना को तोड़ता है और हर रोज खाता है। वन डे ही सो डेट द बनाना ट्री वर ड्रूपिंग। सो एक दिन उसने देखा कि बनाना की यानी कि केले के जो ट्री हैं वो मुरझा गए हैं, यानी कि नीचे की तरफ झुक रहे हैं, मुरझा रहे हैं। इट हैज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो अप्पू क्या सोचता है? आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू। तो अप्पू बोलता है कि मुझे अपनी सूंड में पानी लेकर आना चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर। और वो रिवर की तरफ, नदी की तरफ जाना शुरू कर देता है। अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। और जब तक अप्पू का मन करता है तब तक वो वहाँ पर पानी पीता है। ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक। और उसके बाद जो है अपने ट्रंक से अपनी बॉडी को भी धोता है, यानी कि नहाता है। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने सूंड में पानी भरता है और ले जाकर केले के पेड़ों पत्तों पर जो है पेड़ और पत्ते उन पे जो वो डाल देता है। एज सुन एज द बनाना ट्रीज गोट वाटर दे केम अलाइव। और जैसे ही केले के पेड़ों को पानी मिलता है वो खिल उठते हैं, यानी कि वो फिर से जो है एक तरह से ऐसा लगता है कि उनमें फिर से जिंदगी आ गई है, वो एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अब मैं जो है तुम्हारे लिए हर रोज पानी लाऊंगा। You also give me ripe and tasty bananas, क्योंकि तुम भी तो मुझे हर रोज जो है टेस्टी और पके हुए bananas खिलाते हो। First है, how did Appu know that the banana trees needed water? तो अप्पू को कैसे पता चला कि banana tree को पानी की ज़रूरत है? Banana trees were drooping. This made Appu know that banana trees needed water. So banana trees जो सूख रहे थे, तो इस वजह से उसे क्या हुआ, अप्पू को पता चला कि वो जो है क्या हो रहे हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है। From where do the plants growing around your house get water? अब आपके घर के आसपास जो प्लांट्स हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? आप तो मीन्स आप देते होंगे लेकिन हमेशा नहीं दे पाते होंगे, तो उन्हें हमेशा पानी कहाँ से मिलता है? So the plants growing around my house get water from rain. So कहाँ से मिलता है उन्हें पानी? रेन से। Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? तो क्या आपने जो है, जैसे अप्पू वहाँ पे पानी पी रहा था वो बहुत खुश था जब तक उसने पानी पिया, यानी कि जब वो पूरा पानी पी लिया तो वो बहुत खुश हो गया था। तो आपने कभी एनिमल्स को देखा है ऐसे पानी पीते हुए? तो जो भी येस या नो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। येस, आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर इन द फॉलोइंग प्लेसेस। और कहाँ पर पीते हैं वो? पॉन्ड, वाटरफॉल, ड्रेन, इस तरह से। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनिमल? आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है? इफ़ यस विच एनिमल, अगर दिया है तो किसी? सो यस आई गेव वाटर टू अ काउ और अ डॉग। सम एनिमल आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? अब कुछ एनिमल है जिनको पानी नहीं दिया जाता, तो वो पानी कहाँ से पीते हैं? सो दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, पॉन्ड्स, रिवर एक्सेट्रा। तो वो जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर से पानी मिलता है वहाँ से वो पानी पी लेते हैं। उसके बाद यू रीड इन द स्टोरी डेट अप्पू वाटर द बनाना ट्री बट एलिफेंट डजेंट वाटर ट्रीज। अब आपने इसमें पढ़ा कि अप्पू जो है पेड़ों को पानी दे रहा है लेकिन हाथी तो कभी भी पेड़ों को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? तो प्लांट्स को पानी मिलता कहाँ से है? सो प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है? नीचे से, जो भी रेन वगैरह आती है या फिर जो धरती के नीचे पानी है वहाँ रूट्स होती है पेड़ों की, और वहाँ से उन्हें क्या मिलता है? पानी। प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। ये रेन से पानी मिलते हैं। वेन इट रेन प्लांट्स सीम्स टू गेट अ न्यू लुक। और जब भी बारिश आती है तो ऐसे लगता है कि प्लांट को एक नया लुक मिल गया है। अब इससे रिलेटेड जो है एक पोएम है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड अराइव इन अ मैजिक पैक। तो जो यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड ये पोएम है कि अलग अलग कलर के क्लाउड्स हैं, फेयर एंड वाइट, कुछ जो हैं बहुत मीन्स गोरे या बहुत वाइट कलर के हैं, कुछ जो हैं काले हैं, और ये सब जो हैं एक जादू के पिटारे के अंदर आते हैं, जादूगर की तरह हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग शेप होती है इनकी, अलग अलग जो हैं कलर के होते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग एंड फोन्स, समटाइम दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वॉन्स। तो ये किसकी तरह दिखते हैं? कभी कुत्ते की तरह दिखाई दे रहे हैं, कभी ये हाथी की तरह, कभी हॉर्सेस की तरह, और कभी कभी जो है ये हंसों की तरह, पेयर ऑफ स्वॉन्स मीन्स हंस का जो जोड़ा होता है उसकी तरह दिखाई देते हैं।
इन मोमेंट्स दे गो, 1 मिनट में आ जाते और 1 मिनट में भाग जाते हैं। समटाइम दे फ्रीज, कई बार ये लगता है कि ये एकदम से फ्रीज हो गई, यानी कि वहीं पर अटक गए हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। एंड 4 वीक्स दे स्टे, और बहुत हफ्तों तक वो वहीं पर रहते हैं। एंड समटाइम दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे, और कई बार वो जो है एकदम से क्या होते हैं, हट जाते हैं, मीन्स कभी वहीं पर खड़े रहते और कभी जो है इधर उधर ऐसे हिलते हुए चलते हुए हमें दिखाई देते कि अभी तो यहाँ थे और अभी कहीं और चले गए। समटाइम दे पोर, समटाइम दे थंडर, सम स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो वंडर। तो दे पोर एंड द थंडर, यानी कि कभी कभी तो जो है वो उनकी वो बारिश लेकर आते हैं और कभी क्या करते हैं, सिर्फ गरजते हैं, जोर जोर से जो है गरजने की इनकी आवाज़ आती है। और कभी कभी ये क्या करते हैं, रेनबो के जो हैं अलग अलग कलर्स जो हैं हमारे यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं, यानी कि जो आसमान होता है वहाँ पे हमें रेनबो के अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, तो पूरे आसमान को ये कलरफुल कर देते हैं। एंड समटाइम दे हेल, प्लांटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रेनिंग शेम्स। और कई बार क्या करते हैं ये ओले, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश करते जिसकी वजह से ओले भी आते हैं, तूफान भी साथ में आ रहा होता है, और वो ओले जो सीधा के ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं जिसकी वजह से ग्लासेस टूट जाते हैं, और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर करते हैं। नाउ द पोएट सो मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनी थिंग इन द क्लाउड्स एंड वट। अब पोएट ने तो बहुत सारी चीज़ें देखी, उसने देखा कि इसके अंदर घोड़ा, हाथी, कुत्ता और हंस वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देता। ओल डू द क्लाउड डू, और क्लाउड जो है क्या क्या करते हैं। सो क्लाउड टेक शेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, क्रो, एलिफेंट एक्सेट्रा एंड रन हेयर एंड देयर इन द स्काई। तो जो है अलग अलग शेप लेते हैं और इधर उधर जो है आसमान में भागते रहते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है। वेन कैन वी यू सी अ रेनबो, और अगर देखा है तो किस टाइम पर हम जो एक रेनबो को देख सकते हैं। सो यस वी कैन सी द रेनबो आफ्टर द रेन, सो रेन के बाद में जो है रेनबो हमें इजिली दिख जाता है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स, तो जब बारिश आती है तो आपको कैसा लगता है। सो वी फील वेरी हैप्पी व्हेन इट रेन्स। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, तो क्लाउड के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो बारिश आती है तो उस टाइम पे हमें दिखाई देती है। सो वी कैन सी द लाइटनिंग एंड रेनबो व्हेन इट रेन्स, तो जब बारिश आती है तो लाइटनिंग भी होती है और रेनबो भी हमें दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट हैपन व्हेन इट रेन्स, सो जब बारिश आती है तो क्या क्या होता है। सो जब बारिश आती है सराउंडिंग बिकम्स ग्रीन, जो भी आसपास का एरिया है वो ग्रीन हो जाता है, यानी कि पेड़ पौधे या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से, मीन्स एक तरह से पानी ना मिले तो किस तरह से होता है, पानी मिलने के बाद मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे वो खुश हो गए हैं, तो उनका कलर जो है बहुत ग्रीन हो जाता है। पिकॉक स्टार्ट डांसिंग, और पिकॉक जो है डांस करना शुरू कर देते हैं। एवरी वन बिकम्स हैप्पी, और सब लोग जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद है मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन द वॉटर, उसके बाद एक पेपर बोट बनाती है, बनानी है आपको, और उसका जो है पानी में तैराना है, यानी कि पानी में चलाना है कि वो चल रही है या नहीं। नाउ हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, अब रेन्स के टाइम पर क्या आपको कोई प्रॉब्लम आती है। एंड हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, या फिर आपने किसी और को देखा, या तो आपको प्रॉब्लम आती है, आपने किसी और को देखा है रेन्स की वजह से प्रॉब्लम आते हुए। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, अब आपको जो एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि रेन में जो है आपको किस तरह से फील होता है, जैसे कि ये हो गया, आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो ये जो है छाता पकड़ा हुआ है, एंड इस तरह से आप बना सकते हो, और साथ में स्कूल बैग भी है और स्कूल के लिए जाना है, तो अब स्कूल के लिए इतनी बारिश में जाने से क्या होता है, प्रॉब्लम तो आती है ना। तो और जब बारिश आती है तो कुछ खुश होते हैं, कुछ जो है दुखी होते हैं कि बारिश क्यों आ गई, कुछ खुश हो जाए कि वाह मज़ा आ गया अभी तो बारिश में नहाएंगे या बारिश आ गई है। तो इस तरह से जो भी पिक्चर जो भी आप फेस करते हैं बारिश के टाइम पे वो आपको बनानी है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 इट्स रेनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन आज हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।